तभी जो इनचैटिंग इनवाइटिंग मी हियर एनओपी द ओनली प्लेस वेयर आई इनवाइट माय सेल्फ लिटरली बनाल भाई से कहता हूँ एक सेशन रखे मुझे इस बात पे बात करनी है आमना से जो मैं कहता हूँ बिलाल भाई एंड आई गो बैक umpteenth years is my brother. थैंक यू आप लोग सब मोहब्बत से आते हैं जब भी मैं एनओपी पे आया हूँ दूर दूर से आते हैं सो फर्स्ट आई थैंक यू फ्रॉम ऑल ऑफ यू आज प्रूव भी हो गया कि हम आए हैं मेरे लिए ये सब में करीब है आई लिव इन राया सो मुझे कोई 10 या 11 मिनट भी नहीं लगे यार आने में पर मैंने जो कमेंट्स पढ़े थे फेसबुक पे कि दिस इज वेरी फार सो आई डोंट नो ignorance is bliss I recently moved to Lahore so I don't even know the distances kaun si cheez kahan hai I chose this topic because jab se main pakistan aaya hu pichle 9 saal mein ek cheez maine dekhi hai ki trying to fix the symptoms हम इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कि नाउ वी आर लिटरली लुकिंग फॉर अ क्विक फिक्स कि कुछ भी हो बस जल्दी से हर चीज सही हो जाए क्योंकि जो अभी जैसे जनरल साहब ने इतनी अच्छी बात की जनरल साहब ने कहा पीपल हु आर इन द 50s एंड 60s दे आर सिक ऑफ हियरिंग एवरीथिंग कि क्या सही करना है क्या अब हल चाहिए मगर ये हल इतनी जल्दी आ ही नहीं सकते जब तक रूट कॉज ना पता हो आपको और रूट कॉज में ये जो रोज टीवी पे आके बैठ के जब मैं भी टीवी पे जाता हूँ मैं भी अब तंग आ गया हूँ आई स्टार्ट टू रिफ्यूज गोइंग ऑन टीवी नाउ बिकॉज सिर्फ ये पे हाउ इज द करंट अकाउंट डेफिसिट हाउ आर द रिजर्व्स इज आर करेंसी गोइंग टू बी स्टेबल इज इमरान खान गोइंग टू लिव और डाई नवाज शरीफ गोना कम बैक फ्रॉम लाइक व्हाट द हेल डज दैट हैव टू डू विद पाकिस्तान Seriously, it's become ridiculous कि मेरे ख्याल में आज से 5 साल पहले किसी को करंट अकाउंट डेफिसिट पता भी नहीं होगा क्या चीज सिर्फ रिजर्व्स पता होंगे ट्रेड बैलेंस क्या था इंपोर्ट्स क्या थे एक्सपोर्ट्स कैसे ग्रो होते हैं आज तो हर एंकर इज एन इकोनॉमिस्ट आप तो डबल पीएचडी है सर आपकी जॉब खतरे में है आमिर मीर के मुकाबले में नहीं सर आमिर मीर के मुकाबले में मैंने कहा आमिर मीर के मुकाबले में मैंने कहा किसी और के मुकाबले में नहीं आमिर मीर के मुकाबले में आपकी मेरी हर एक की जॉब जो है ना इस सीरियस डेंजर अब कल को मैं ये जाके कहूँ ना जंग ऐसी लड़ी जाती है ये तभी वाले थे दोनों मैं क्योंकि 30 साल से सारे जवानों से लेकर जनरलों को जानता हूँ तो मुझे पता है फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए One has to accept that this is not my expertise. I will report it. You know, मगर anyway हम 70 सालों से क्विक फिक्सेस देखे जा रहे हैं और वो क्विक फिक्सेस मेरी नजर में एंड आई एम कमिंग टू अ फाइनल कंक्लूजन कि वो क्विक फिक्सेस फाइनेंस में नहीं है यू मे फाइंड दिस वेरी डिफिकल्ट व्हाट आई एम सेइंग द क्विक फिक्सेस आर नॉट इन फाइनेंशियल पॉलिसीज क्विक फिक्सेस आर अ बिट अवे नॉट ऑपोजिट ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज दे आर इन आवर सोसाइटी दे आर इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम Then they are in our economic system. The policies that affect everything together that make our economy fragile. इसी वजह से जब कोई नया लीडर आता है हमारी सारी उम्मीदें उससे बन जाती हैं। आप अय्यूब खान के जमाने से ले लें अब मुशर्रफ को ले लें जिया को ले लें नवाज को ले लें जरदारी को ले लें इमरान खान को ले लें वी आर मूविंग जिसके हाथ
पठान आया, हमने कहा है, अब पाकिस्तान अफ्रीका बन जाएगा. एंड वी ऑलवेज लुक फॉर समथिंग दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड इमीडिएटली. एक्सपोर्ट्स बढ़ा दीजिए. फॉरेन रिजर्व्स हैज बीन, फॉरेन रिजर्व्स regardless of knowing that they borrowed money into the state bank, yeah. It is lent money, it is just a deposit by Saudi Arabia, whatever it may be, all we look at is $18 billion ho gaye is foreign reserve. Oye, 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 kal to nehre bahengi nadiyan doodh ki. Exports hamari badh gayi hai. Hum cycles mein jaye ja rahe hain. 70 साल में हमारे रिजर्व 50 बिलियन डॉलर भी नहीं मिले. थिंक अबाउट व्हाई, बिकॉज वी आर इंडिजिनसली ग्रोइंग पाकिस्तान. आप एक्सपोर्ट्स की जो बात कर रहे थे सर, एक्सपोर्ट्स इन व्हाट, दैट हैज टू बी डिसाइडेड. आई गेट टू दैट सॉल्यूशंस पार्ट इन अ सेकंड. एक्सपोर्ट्स में भी व्हाट नीड्स टू बी एक्सपोर्टेड. हम एक सिर्फ टेक्सटाइल, दैट्स इट, बिकॉज़ बांग्लादेश ने टेक्सटाइल कर लिया यार. दैट्स नॉट द सॉल्यूशन टू आवर इकॉनमी. इट हैज टू बी अ होलिस्टिक अप्रोच. आवर इकॉनमी रिमेन्स अ फ्रेजाइल इकॉनमी. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ फ्रेजाइल इकॉनमी? Is simple. An economy that is not long-term sustainable. जाके देख ले पिछले 70 साल में. Why are we fragile? हमेशा ही fragile रहे हैं. 8 साल की बेहतरी आना is not बेहतरी. Our graph hasn't gone like this of economy. Figures, yes, GDP went from $5 billion in 1947-48 to $320 billion now. Yes, we have had peripheral growth. Education mein growth hui hai, universities badhi hain, hospitals badhe hain, number of kilometers of roads badhe hain, sab kuch badha hai. Magar pure economic figures, financial figures are not sustainable. Hum aise gaye, hum aise jaate hain, phir niche aa jaate hain. Phir upar jaate hain, phir niche aate hain. Why? Because there are three reasons. Social reasons that you never think about, how they affect the economy. Political reasons, and I don't mean by political reasons, him coming, him going. Yeah. And then economic reasons. Social reason mein, sab mein pehla reason is a brain drain, which you call chronic human flight. Brain drain. Why there is a brain drain? Why are the same damn Pakistanis in Silicon Valley come up with the most beautiful inventions and not here? Were they looking for $50,000 a month when they went? No. Unko $3,000 bhi mahine ke milte to khushi se chale jaate hain. Isliye ki unhe pata hai wahan par growth hai idhar ki. Yes. So, in one of the biggest reasons for a fragile economy, one of the social biggest reasons for fragile economy is brain drain. Human beings leaving, going, and contributing what they could have contributed here. So, solution, ab isi jo point mein de raha hu, isi se aap khud solutions ho sakte. You do not need me to stand here and tell you what is the solution. The solution is to create हर इंडस्ट्री के लिए एक हब क्रिएट करना है. हमारे यहां सिर्फ आईटी की बात कर रहे हैं. साइंटिस्ट हैं, राइटर्स हैं, बहुत से लोग हैं जो दे वुड ग्लैडली लिव इन पाकिस्तान. इस मिट्टी में कुछ है, लिटरली इस मिट्टी में कुछ है. आई हैव बीन टू 65-70 कंट्रीज इन माय लाइफ. आई लिव्ड इन 5 कंट्रीज. आई केम बैक. व्हाई? एंड आई ब्रॉट माय फैमिली बैक, माय चिल्ड्रन बैक. कुछ है आज तक समझ नहीं आया क्या है, कसम से. और ना ही कभी आएगा. हमारी 70 नस्लें गुजर जाएंगी, हमें नहीं समझेंगे इसमें कुछ है. चीखेंगे, गुस्सा होंगे, गालियां देंगे, रेड लाइट पे खड़े होंगे, पीछे से कोई पीपी में हॉर्न बजा रहा होगा, मुड़ के देखे कहां जाऊं भाई. बट स्टिल वी लव टू लिव इन दिस कंट्री बिकॉज़ इट्स आवर कंट्री.
Another social problem is that we have never addressed vengeance seeking groups. Today I'll give you things that you will never probably have thought about related to economy. Vengeance seeking groups could be anything. Could be PTM. I don't know. Could be MQM. I don't know. Vengeance seeking groups create anarchy in a society. And that anarchy creates damage to the economy. Kabhi aapne suna hai kisi finance minister se ya kisi se ke what is the actual relationship of all these stupid things to an economy? IMF is the only solution, World Bank is the only solution, ADB. God damn it, 16 meetings I have chaired for different countries with IMF. I swear to God, they're not our friends. They are not our friends. I was an advisor to Argentinian president. And the meetings I sat on with IMF, I was very young at that time, I was 32, my eyes were like, I was on Wall Street. So I'm sirf IMF, ADB, in cheezon ko samajhte hain ki ye hamara hal hai. Another social problem is we have never addressed demographic pressure. What have we done about the demographic pressure? What have we done about the rural-urban divide? That is one of the biggest things for economy. Aap America mein, ek misal de raha hoon, Japan mein, Germany mein, aap ek village mein bhi chale jayenge, they have almost the same facilities. Almost. Basic ki baat kar raha hoon. Almost the same facilities, and they willingly are living in the village. Not because of any other reason. Hamare yahan willingly bahut kam reh rahe hote hain village ke. They're tied down to their land maybe. Nahi ja sakte kyunki shahar mein naukri nahi milegi. Padhe likhe nahi hain, nahi ja sakte shahar mein naukri nahi milegi. Bachchon ko bhej diya bahar. Demographic pressure ko humne kabhi dekha hi nahi hai, how it affects and creates extra pressure on our economy. Congestion, basic services, ek hospital, lawyers ka hamla. I don't know what I'm just saying, I swear, I have no opinions about these things, but I'm just saying all these things create a serious problem. Ethnic and religious conflicts. You may think that that's a perceptional problem. Perceptional problem is huge also, yes, it's a perceptional problem, but it is a real problem. People need to do business with each other. Kabhi humne hum ahangi ki baat ki hai aur usko relate kiya hai economy se, kabhi baith ke kisi ko samjhaya hai ki bhai Shia hai, Sunni hai, Wahhabi hai, Barelvi hai, Christian hai, Hindu hai, aapas mein business karega to Pakistan grow hoga, tu bhi grow hoga, main bhi grow hunga. Nahi. These social problems we don't address, and one of the biggest problems for any economy is refugees. Social problem, refugees. How easy it is for anybody to come and settle in Pakistan? Do you understand the long-term pressure on economy? By an influx, हमारे तो border खुले हुए हैं अफगानिस्तान से, अभी शायद बंद होना शुरू हुए, जिसको ऐसे ठहर के आते हैं पाकिस्तान में, फालूदा पी के अफगानिस्तान चले जाते हैं दोपहर में. Have you ever met any country, seen any country where you can cross border like this? No. Please tell me. Any country, take a damn African country, take Congo, Liberia,
Botswana, Rwanda, I don't care. Take the remotest of South American countries, Peru, Nicaragua, in the mountains. Can anybody cross the border like that? And then, if I decide I'm going to go settle in Pakistan, and I will penetrate all the way into Islamabad, Lahore, Karachi. Digitization, I'll come to that. This, that digitization is the one of the solutions for 70% of these ills. But you, Iran has Afghan refugees. Iran's economy is never affected by refugees because they're contained. They're kept in a, I'm not talking about refugee camps, they're kept in a digitized manner. Economies need to benefit when they host refugees, not be burdened. Humne isko solve hi nahi kiya hai. Now, let's talk about economic reasons why economies remain fragile. Corruption. 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 I can write a whole book and just write the word corruption, 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 corruption on every page. Economic reasons. I do not need to go into, and don't think the world is corruption free. Corruption can never be abolished. It can only be curtailed. It's a fantasy to think America is not corrupt. Fantasy. I grew up in that country. I ran an investment bank on Wall Street. Oh, I can tell you the ways of corruption on Wall Street. It's different. Just to give you an example so you know. वहाँ पे यहाँ पे क्या कहते हैं मिनिस्टर साहब ये लीजिए $15 million लाइसेंस दे दीजिए हो गई करप्शन वहाँ पे एक कैंडिडेट है पॉलिटिकल कैंडिडेट रिपब्लिकन he's already a senator he sits on the House Finance Banking Committee without naming names I'm giving an example he's a Republican what you he's running for re-election again so what you do As an individual, you can only make a $1,000 contribution towards it. You can set up what is called a political action committee, PAC. You can give $100 million through the PAC to the senator for his campaign. Now, do you really think spend it all? He's going to forget about that. He's not going to be under my thumb. I was the third largest Republican donor as an investment bank in America. And I don't say this proudly. It's so easy to manipulate the system there. You give it to the senator. You don't call and say, give me this license or contract. No. You get policies affected. You put yourself in a different tax bracket. When the treasury auction is coming in, your investment bank becomes the top five hold big for it. You will understand the face of these things. So corruption is everywhere, but they have curtailed it. Aam aadmi ki zindagi mein corruption affect nahi kar rahi. Top level pe puri duniya mein corruption hogi, मोरल करप्शन होगी फाइनेंशियल करप्शन होगी हर किस्म की होगी मगर जब करप्शन गोज डाउन टू द कॉमन मैन्स लाइफ इकोनॉमीज गेट डिस्ट्रॉयड वहां बंटवारी नहीं है सर बिलीव मी पटवारी और बिहारी इज अ कैफियत Uthia is a kafir. Sorry, let me be very balanced here. Not politically correct, but balanced. Any undying love for a leader is a kafir. Another economic reason for fragile economy is uneven economic development. You all know what uneven economic development is.
I'm not talking about unequal distribution of wealth. उसमें भी अभी एक सेकंड में मैं आता हूं. Uneven economic development. पाकिस्तान में कहीं पर भी आप चले जाए. I'm from Sindh. I go for shikar a lot. And I go to the remotest of areas for shikar. I don't hunt big game. I just hunt 10-15 feet, but I'm a happy man. You, ऐसे ऐसी जगहें मैंने देखी हैं. बलूचिस्तान का एक हिस्सा है दुरेजी. दुरेजी से थोड़ा सा आगे 20 किलोमीटर आप शिकार के लिए जाएं, बखुदा बच्चों को करेंसी नहीं पता. I was having chocolate one day, gun, shotgun लटकी भी मेरी हम तीतर के लिए सरसों की फसल की तरफ कहीं जा रहे थे. तो मैं ये खा रहा था, बच्चे नजर है, मैं कड़क कड़क नोट लेके जाता था बच्चों के लिए. उस दफा धुरेजी से आगे हम पहली दफा गए थे, मैंने ऐसे ही नोट निकाल के बच्चे को दिया. उसने ऐसे देखा, सही छा है, ये क्या है? मुझे बोलते जो आप खा रहे हैं वो दे दे मुझे. आप मेरा क्या स्निकर्स का बार था, आधा खा चुका था मैं, कितना वो दे दे. सॉरी जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, 500 रुपए दिए थे मैंने. तो मैं एक बात बता रहा हूं इसलिए कि वो 10 खरीद सकता था शायद उसके अंदर. उसने इस हाथ से ऐसे करके कहते ये चीज दे दो. हम एजुकेशन 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 की बात करते हैं. इन एवरी कंट्री नॉट एवरीबॉडी इज अ बैचलर्स ऑफ आर्ट्स और साइंस. और हम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की बात करें, हम एजुकेशन को गलत समझने लगे हैं. अमेरिका में हाई स्कूल करने के बाद कितने लोग जॉब कर रहे हैं. जर्मनी में दे डेवलप स्किल्स, स्किल डेवलपमेंट की बात करें उनके लिए. हमारे यहाँ काम ख्याली है कि हर बच्चा पीएचडी बन के निकले, डबल पीएचडी हो, जर्नल बने, साइंटिस्ट बने. ओ भाई नहीं बनना उसको यार. नॉट एवरीबॉडी इज एम्बिशियस बट ही कैन बी अ वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द सोसाइटी. वी आर एक्सट्रीमिस्ट बाय नेचर, लिटरली, रिलीजियसली, इकोनॉमिकली, इमोशनली. मोहब्बत करेंगे तो टूट के करेंगे, नफरत करेंगे तो टूट के करेंगे. अल्लाह कह कह के थक गया कि बयाना रबी इख्तियार करो, मगर नहीं मियां साहब मैं ताडे वास्ते जान दे दिया. इमरान खान नु कुछ नहीं कहो है, फौज में कुछ गलती नहीं है. नो सीरियसली, वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर ह्यूमन, देर गलती. एक आदमी के लिए पूरी फौज को बदनाम करती, एक के लिए सियासत को बदनाम करती. वी कैन डू दैट. वी हैव टू हैव development has to be in education. Uneven economic development is one of the biggest reasons for Pakistan economy being fragile. Economic decline periodically. जिसकी जितनी उम्र है वो अपनी उम्र के लिहाज से सोच ले. आपने पीरियोडिक इकोनॉमिक डिक्लाइन देखा है पाकिस्तान में या नहीं? आप यंग है बेटा, 21 ईयर, गुड गेस, 21 ईयर ओल्ड. इकोनॉमिक डिक्लाइन 7 साल पहले सही थी इकोनॉमी, 2 साल पहले एकदम खराब हो गई. क्यों? उससे पहले 7 साल आप जाइए वाले से पूछिए, बड़ा भाई है, यही साइकिल है, यही साइकिल है, यही साइकिल है, यही साइकिल है. क्यों? Why does that happen that every time economic activity periodically declines? Because we do not have any of these things that I am talking about. We are vele. Literally, I don't say this. मेरी जान चली जाए स्कूल के लिए ऐसी जाएगी. So I don't say that in a derogatory manner. But if we have to talk bluntly, के what is our problem? Unequal economic growth, unequal social justice, and last before I come to solution,
political reasons. What political reasons make an economy fragile? पहला सवाल मैं कहूंगा ना, जो जिस पार्टी से बिलोंग करता है ना, वो कहेगा मेरा लीडर चला गया इसलिए इकोनॉमी खराब हो गई. इंस्टेबिलिटी. मेरा लीडर आ गया इसलिए इकोनॉमी खराब हो गई. जिसको कुछ नहीं मिलेगा ना, क्यों डिक्टेटर ने आके ऐसी की तैसी कर दी. आखिरी फुटबॉल तो फौजी होते हैं ना, फौज बनती है आखिरी फुटबॉल. कुछ लॉजिक नहीं बने ना. और यहीं से उठ के सीधा शेख मोहम्मद के मुल्क में जाएंगे, जहां पे 17 जनरेशन से एक ही फैमिली रूल कर रही है, कहेंगे सर सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप? शेख मोहम्मद बिन सलमान आप कैसे हैं? कर्नल कद्दाफी साहब आप कैसे हैं? वो नहीं देखेंगे कि वहां पे इकॉनॉमी है. ऑलवेज आई से आई लव डेमोक्रेसी बट आई हेट दिस डेमोक्रेसी. This is not democracy. This is a sham. No matter who's running it, this is a sham. I'd rather have a benevolent dictator than an educated prime minister. You may not like this. I hate to say this. I'll never support a martial law. I was part of it. I worked with Musharraf. Wo bhi kuch nahi kar sakta tha bechara. हमारे यहाँ द प्रॉब्लम इज पॉलिटिकल रीजंस. हम दूसरी चीजों को कहते हैं. द बिगेस्ट पॉलिटिकल रीजन फॉर एन इकोनॉमी टू बी डिजास्ट्रस इज पब्लिक सर्विस डिटेरिएशन. हैव यू सीन एनी बेटरमेंट इन एनी पब्लिक सर्विस इन द पास्ट 60 इयर्स? टैक्स डिपार्टमेंट में कोई बेहतरी आई है? रोड ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में पब्लिक सर्विस की बात करें, कोई बेहतरी आई है? हेल्थ सर्विसेज में मशीनें लगाने की बात नहीं करें जिसमें खांचे हैं. अस्पताल बनाने की बात नहीं करें जिसमें 30% मिलता है. रोडें बनाने की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करें. पब्लिक सर्विस की मैं बात कर रहा हूँ. हैव यू सीन एनी बेटरमेंट? और उसी में एक मैं आपको मिसाल देता हूँ, नादरा है. बेटरमेंट आई है ना? लुक. दूसरा, बैंक्स हैं. यही हबीब बैंक या मुस्लिम कमर्शियल बैंक जब हुकूमत के अंडर था, तो इट वॉज डिक्लेयरिंग 150 मिलियन इन लॉसेस. मुस्लिम कमर्शियल बैंक दे पे 6 बिलियन रुपीज इन टैक्सेस टुडे. बट व्हाट वी डू, वी बिकम ओवरली पेट्रियोटिक एंड सिनिश. नो इंस्टीट्यूशन शुड बी प्राइवेटाइज्ड, क्योंकि हमारी अना है. मर रहा है उस इंस्टीट्यूशन को मरने दो, मगर मुझे मोहब्बत है पीआईए से. हैं? व्हाट? व्हाई द हेल डू यू लव पीआईए? बिकॉज द वर्ड पाकिस्तान है. सो यू वुड वॉन्ट योर कंट्रीज नेम टू बी रूइंड बिकॉज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन? जग हसाई हो, पूरी दुनिया तालियां दे उस इंस्टीट्यूशन को, मगर इसको प्राइवेटाइज नहीं करना. अनदर पॉलिटिकल रीजन. नाउ दिस इज वेरी सीरियस. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, अब्सॉर्ब दिस. एंड आई से दिस इन अ वेरी न्यूट्रल मैनर. वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स फॉर एनी इकॉनमी इज, हैव वी हैड देम? Have we had them or not? Please. The things, you know, ये सब लिखने के लिए 6 दिन से मैं सोच रहा था कि कैसे आम आदमी के लिए रिलेट करूं कि यार ये एक ऐसा बक्सा है जिसमें सब कुछ ही गंदा है. उसमें से लिट तो हटाऊं मैं जाके आप लोगों के सामने, समझाऊं तो कि क्या क्या चीजें हैं जो इकोनॉमी को अफेक्ट करती हैं. एक्सटर्नल पॉलिटिकल एजेंट्स इंटरवेंशन who are present amongst ourselves. The last 2-3 words called who are present amongst ourselves. In any country, Libya achha tha, tabah ho gaya. Kyun? External political agents. But internally, gore nahi utre wahan pe koi. Wahan pe John and Smith guns leke nahi khade the.